अब सुनिए मेरी बात कि लेंज लॉ ने क्या कहा, सिंपली हम समझते हैं लेंज लॉ ने क्या कहा, सिंपल भाषा में समझते हैं, फिर अपन उसका देख लेंगे। लेंज लॉ ने कहा कि इसमें जो करंट फ्लो होता है ना, करंट फ्लो, वो करंट फ्लो इस तरह से होता है, इस प्रकार से होता है कि वो उसे खत्म करने की कोशिश करता है जिसने उसे प्रोड्यूस किया है, उस सिचुएशन को खत्म करने की कोशिश करता है जिसने उसे प्रोड्यूस किया है। दोबारा सुनो, करंट फ्लोज इन सच ए डायरेक्शन सो दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। दोबारा सुनो कि इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो होती है कि वो डायरेक्शन जो फ्लो हो रही है उसमें, वो इस तरह से फ्लो होती है कि वो जिस वजह से फ्लो हुआ है करंट, उस वजह को खत्म करने की कोशिश करती है। इस लूप में करंट की डायरेक्शन या करंट इस प्रकार से फ्लो होता है कि जिस वजह से वो क्या फ्लो हुआ है, उस वजह को खत्म करने की कोशिश करता है। समझो ध्यान से, इसमें करंट इस तरह से फ्लो होता है, उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो जिस वजह से करंट उसमें फ्लो हुआ है, उस वजह को खत्म करने की कोशिश करती है। या दूसरी डेफिनेशन, करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन सो दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन सो दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। मतलब करंट इस तरह से फ्लो होता है, उसकी डायरेक्शन वो होती है कि जिससे वो उस वजह को खत्म कर सके जिस वजह से इसमें करंट फ्लो हुआ है। अजीब लग रहा है लेकिन सुनो, अब सुनो मैं बताता हूं, ध्यान से समझो। अब हमको कुछ नहीं पता, ये स्टेटमेंट सुन लिए, अगर नहीं समझ आए कोई टेंशन मत लो, इतना कोई भारी नहीं है बात, ठीक है। अब सुनो भारी क्या है, सिंपल सिंपल बात। मान लीजिए इसमें करंट किधर फ्लो कराऊं, सुनना ध्यान से, एक बात बताओ। अब मान लीजिए कि इसमें बी इधर बढ़ रहा है, बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बी बढ़ेगा या बी घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड जब जब बढ़ेगा या मैग्नेटिक फील्ड जब जब घटेगा, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया बढ़ेगा और घटेगा। समझ आ रही है, कहेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा इसमें से पास होने वाला, जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स पास होने वाला कम होगा। तो जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब इसमें करंट चेंज होगा। समझ आ रही, मतलब करंट फ्लो करेगा, करंट इंड्यूज होगा। तो लेंज ने क्या बताया कि अब देखिए इसमें करंट क्यों, क्यों करंट इसमें आएगा, अब रीजन कौन है, बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है इस वजह से क्या करंट आएगा इसमें। समझ आ रही है, बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इस वजह से इसमें क्या आएगा, करंट आएगा। तो बी किधर बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है। बट लूप में जो करंट है, जो इंड्यूज हुआ है, वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि अंदर की तरफ जो बी बढ़ रहा है वो बढ़े नहीं, मतलब अंदर की तरफ जो बी बढ़ रहा है, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर से क्या है, बी ऐसे पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, मतलब अंदर की तरफ फ्लक्स पास कर रहा है। बात समझ आ रही है, अंदर की तरफ जो फ्लक्स पास कर रहा है वो बढ़ रहा है। मतलब कैसा हो रहा है, मैं आपको फील कराता हूं, ध्यान से समझिए कि यहां से जो फाई अगर लिखूंगा इसके लिए फाई एम, तो फाई एम क्या लिखूंगा, बी इंटू ए और कॉस जीरो ले लो, ठीक है ना, क्योंकि हम कह सकते हैं बी भी अंदर है और एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो, क्योंकि लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो बी ए मान लो फ्लक्स है, ठीक है, और बी ए फ्लक्स में बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है इसका मतलब काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया क्या हो रही है, बढ़ रही है अंदर की तरफ। मान लो टी इक्वल टू 1 सेकंड पे 10 लाइंस पास कर रही थी, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे मान लो 20 लाइंस पास कर रही, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे 30 लाइंस पास कर रही है, तो वो क्या चाहता है कि ये जो लाइंस का नंबर है मेरे अंदर से पास करने वाला वो क्या हो, कम हो। वो नहीं चाहता कि मेरे उसके अंदर से जो लाइन है पास कर रही है वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, समझे। वो उसको कैसे रोक पाएगा, वो एक काम करके रोक पाएगा, क्या करे,
कि वो करंट को ऐसे फ्लो करा दे लूप में, मान लीजिए ऐसे अगर फ्लो करा दिया एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से हमें पता है इस रिंग, इस लूप की वजह से इसका ये वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी एक्सिस पर वो किधर होगा, बाहर की तरफ। बताओ, जब किसी लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रही है? अगर मैं मानूं कि ये लूप कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये क्या है, इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, वो अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, तो ऐसे कर्ल करोगे फिंगर्स, ऊपर की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, समझे, मैंने ये बना के कई बार बता रखा है आपको मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो यहां पे मैंने बताया था कि नॉर्थ की तरह बिहेव करता है और ये साउथ की तरह बिहेव करता है, मैं कई बार बता चुका हूं इस चीज को, ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे हम कहें ये लूप जो है, लूप, ये लूप का वो ऊपर वाला पार्ट, मतलब ये वाला सरफेस जो है उसमें बी ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये जब बी प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसे बी प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो बी क्या करेगा, जो अंदर बढ़ने वाले बी को क्या करेगा, कम करेगा। समझ आ रही है? अपोज करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि अंदर जो ये बी बढ़ रहा है ना, बी बढ़ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर पास होने वाला बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये खुद ही क्या करे, खुद ही अपने में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दे, जिससे कि उस बी को बढ़ने को अपोज कर सके। ये मानिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आपके जैसे कि कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये मान लो कि बहुत सारी गोलियां आ रही हैं, इधर, ठीक है ना, बुलेट्स आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारी बुलेट्स आ रही हैं, एकदम बुलेट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है इधर आने वाला, ठीक है। तो क्या कोशिश करो कि बुलेट का नंबर कम हो जाए इधर आने वाला, तुम भी इधर से क्या बुलेट चालू कर दो, ठीक है, ठीक है, बुलेट चालू कर दो, समझ आ रही है, चलाना बुलेट चालू कर दो। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ बुलेट्स क्या हो जाएंगी, अपोज कर रहा है वो, कि बुलेट्स बढ़ रही हैं इधर आना, तो उसको क्या है, अपोज करता है, मतलब चेंज को अपोज करता है, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर बी बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो उसको चेंज नहीं हो जाने के लिए, मतलब बी अंदर की तरफ ना बढ़े, तो उसके लिए ये क्या करता है, करंट इस ऐसी डायरेक्शन में फ्लो कराता है, जिससे खुद की वजह से बाहर की तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली यही है। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए बी कम हो रहा है अंदर की तरफ, तो ये भी चेंज उसे पसंद नहीं है, ये चेंज भी उसे पसंद नहीं है तो ये क्या करेगा, बोलो, ये भी फिर ये करेगा कि अंदर की तरफ बी उसमें से कम हो रहा है, पास होने वाली लाइंस कम हो रही है, तो वो क्या करेगा, अंदर की तरफ वो बढ़ाना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसे चेंज पसंद नहीं है। मोहब्बत है फिल्म देखी है, तो उसमें क्या है, अमिताभ बच्चन को क्या चेंज पसंद नहीं होता स्कूल में, ठीक है ना, समझ आ रही है। तो चेंज इसको भी पसंद नहीं है, ये मान लीजिए मोहब्बत है फिल्म का अमिताभ बच्चन है, जिसको चेंज पसंद नहीं है, बिल्कुल भी चेंज पसंद नहीं है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसे घटाने की कोशिश करेगा, तो क्या करता है वो, इधर खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कम हो रहा है, तो क्या होगा, तो ये उसे भी चेंज पसंद नहीं है, मतलब ये भी चेंज उसे पसंद नहीं है, मतलब अंदर की तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अब क्या करेगा, ये भी चेंज पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिससे कि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है नेट, वो क्या रहे, सेम रहे। समझ आ रही है? तो वो क्या रहे, सेम रहे। देखो, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो कम हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, जिससे कि वो खुद भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगे, जिससे कि जो अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड था वो कम हो रहा था, अब ये उसको चाहता नहीं है क्या कम हो, इसलिए वो खुद भी उसकी मदद करने लगता है। समझ आ रही है? खुद भी ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा के अंदर की तरफ, खुद अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है इस करंट की वजह से। समझ आ रही है? तो वो अंदर की तरफ जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को मदद मिलती है। बात समझ आ रही है? तो ये चेंज पसंद नहीं है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो वो भी उसे पसंद नहीं है, ठीक है, वो पसंद नहीं है, तो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा के उसको कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड
कम हो रहा है तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखना चाहेगा। समझ आ रही है? मतलब ये चाहेगा कि बेसिकली चेंज ना हो मैग्नेटिक फील्ड जो भी पास कर रहा है उससे, मतलब जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स उससे पास कर रहा है वो बेसिकली चेंज ना हो, यही इसका क्या है, रूल है। ठीक है ना? जैसे कि इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन सो दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे फिर अपन अच्छे से समझ जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है ना? अभी अगर समझ में भी नहीं आया तो चिंता मत करो, बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे। लिखिए, लाइक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है। ठीक है? और मैं ये कह रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, और अब बढ़ रहा है, तो बताइए ये कंडक्टिंग लूप में जो करंट है वो किधर इंड्यूस होगा, किधर फ्लो होगा। ठीक है? तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, बोलो, ये लूप से पास होने वाला फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ेगा, मतलब इसमें से पास होने वाली लाइंस बाहर की तरफ बढ़ेंगी, और इसको वो पसंद नहीं है, क्योंकि सीधा याद रख लीजिए, इट इज कह सकते हैं कि ये मोहब्बतें का अमिताभ बच्चन है। समझ आ रही? जिसको चेंज पसंद नहीं है, चेंज पसंद है ही नहीं, चाहे कम हो या ज्यादा उसे पसंद नहीं है, उसको क्या करने की कोशिश करता है ये कि वो चेंज होना। ठीक है? तो अब ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको कैसे रिकवर कर सकता है कि बाहर की तरफ बढ़े ना, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा जिससे कि अंदर की तरफ इस खुद की वजह से क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। ठीक है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये कोशिश करेगा कि बढ़े ना। समझ आ रही है? तो उसके लिए ये अंदर की तरफ अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। ठीक है ना? तो अब उसके लिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए क्या करेगा ये, बोलो, हम कह सकते हैं कि इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा। ठीक है? जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा तो हम कहेंगे राइट हैंड रूल से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की वजह से हो गया, तो उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से ये हुआ कि हम कह सकते हैं इजीली कि बाहर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल बढ़ रहा है तो ये इंड्यूस्ड करंट जो इसने प्रोड्यूस किया है, इंड्यूस्ड, वो इस डायरेक्शन में किया है क्लॉकवाइज में, सो दैट अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इसने खुद ने इंड्यूस करंट की वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये इसको चेंज, इस चेंज को रिकवर कर सकता है, इस चेंज को होने नहीं देगा। बात समझ आ रही है? तो अगर ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने ना दे, उसके लिए क्या करता है ये कि अपने खुद के खुद में क्या है, चार्ज है, खुद में चार्ज है, तो वो चार्जेस को इस तरह से फ्लो कराता है कि जिससे अंदर की तरफ क्या हो जाए, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। ठीक है? तो इसलिए क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराता है। ठीक है? अब मैं ये दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लूं कि मान लीजिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कम हो रहा है, तो बाहर की तरफ कम होना भी इसे पसंद नहीं है, चेंज पसंद नहीं है, तो बाहर की तरफ कम ना हो, बाहर की तरफ पास होने वाला फ्लक्स कम ना हो, बाहर की तरफ पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ना हो, तो इसके लिए क्या करेगा ये, खुद की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रही है? जिसकी वजह से क्या होगा कि बाहर जाने वाली लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस वो कम नहीं होंगी। बात समझ आ रही है? तो अब क्या करेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा। जब बी कम होगा बाहर की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज, जब बी बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है, मतलब ये क्लियर मान लो कि चेंज उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, चेंज पसंद नहीं है। तो मान लीजिए अगर मैंने ये वायर दिया, इसमें करंट आई है और यहाँ पे एक लूप रख दिया, ठीक है, ये कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें करंट में करंट कितना फ्लो हो रहा है इस वायर में, इन्फिनिट वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बताइए कि इसमें लूप में, इस लूप में करंट किधर इंड्यूस होगा। तो सिंपल सी बात सुनो, इस आई बढ़ने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है इस इन्फिनिट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी। ठीक है? जब आई बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है? मतलब इस लेफ्ट राइट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले ये देख लें कि राइट में मैग्नेटिक फील्ड है किधर, तो वो अंदर की तरफ है, तो मतलब अगर यहां अगर कहीं भी देखूं तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब इस रीजन में जिधर भी देखूं, कोई भी पॉइंट लूं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है,
अंदर की तरफ है और वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट ये उसे पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है, लूप को पसंद नहीं है। लूप को पसंद नहीं है तो लूप क्या करेगा, लूप ऐसा करेगा कि इसको अपोज कर सके कि अंदर की तरफ तू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा रहा है, मैं बढ़ने नहीं दूंगा, मैं बढ़ने नहीं दूंगा तो क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि अपने में करंट फ्लो करा दूंगा और ऐसा फ्लो करा दूंगा जिससे कि अंदर की तरफ जाने वाली जो लाइन्स हैं वो कम हो जाए। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड, अपना इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा देता है, जिसकी वजह से जो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किधर होता है, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो वो अंदर की तरफ जो बढ़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, इसको रिकवर कर लेता है। समझ आ रही है? तो बस यही हो रहा है कि देखो, ये देखो, इस करंट को इंड्यूस होने का कारण क्या था, वजह क्या थी, क्या वजह थी, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, समझ आ रही है, इससे पास होने वाला फ्लक्स का बढ़ना, तो वही तो एक कॉज है ना, वही तो एक रीजन है ना। अब वही रीजन को खत्म करना चाहता है वो करंट, समझ आ रही है, वही रीजन को खत्म करना चाहता है एक करंट, तो क्या होगा, तो करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो होता है कि जिससे उसको खत्म कर सके। और उसको खत्म कैसे करेगा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, समझ आ रही है, उस कॉज को खत्म करना चाहेगा, ये बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं दूंगा, बढ़ने नहीं दूंगा, समझ आ रही है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर मैं एक और दो क्वेश्चन लूं कि ये लूप है, ये इन्फिनिट वायर है और इसमें करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बताइए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप। तो देखो करंट कम हो रहा है तो इसका मतलब पहले तो यहां इस साइड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की तरफ से, वायर की वजह से बाहर की तरफ है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो वायर की वजह से है इस साइड में वो क्या है, बाहर की तरफ है। और जब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बट वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब हमें पता है कि बी इसकी वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय टू पाई डी। जब यहां पर करंट कम हो रहा है तो हम कह सकते हैं बी भी कम हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है। अब ये पसंद नहीं है, चेंज पसंद नहीं है किसको, लूप को चेंज पसंद नहीं है, मतलब लूप ये चाहेगा कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़े ना, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कम हो रहा है तो लूप क्या चाहेगा, लूप ये चाहेगा कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम ना हो, और बाहर की तरफ कम ना हो तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो अपने अंदर ऐसे करंट फ्लो कराएगा जिससे उसकी मदद मिल सके, सहारा दे सके उस मैग्नेटिक फील्ड को, जिससे वो कम ना हो बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कम ना हो इसके लिए सहारा कैसे दिया जा सकता है, वो दिया जा सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज आई इंड्यूस्ड प्रोड्यूस करके, एंटी क्लॉकवाइज आई इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होगा तो हम कह सकते हैं बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस आई इंड्यूस की वजह से हो जाएगा, जो कि इसको जो बेचारा ये कम हो रहा है उसकी मदद कर सकता है, समझ आ रही है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, लाइक दिस इज द वायर एंड दिस इज द लूप, ठीक है। अब इसमें करंट हम कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो बताइए इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो हम कह सकते हैं इस वायर की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की तरफ से क्या होगा, बाहर होगा। जब करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब करंट बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। और बढ़ना इसे पसंद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चेंज पसंद नहीं है इसको, किसको, लूप को चेंज पसंद नहीं है। और लूप को चेंज पसंद नहीं है तो लूप के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, और ऐसे चार्ज जो कि फ्लो कराए जा सकते हैं। तो लूप क्या सोचेगा, अच्छा ऐसे मैं बढ़ने नहीं दूंगा, बढ़ने नहीं दूंगा तो क्या करूं, क्या करूं, अच्छा ऐसे फ्लो कराता हूं अपने चार्जेस को जिससे मैं अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड लगा के इसका अपोज कर सकूं। तो अब ये क्या है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको कम करने के लिए वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आई इंड्यूस्ड फ्लो कराएगा, ठीक है, आई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में
फ्लो कराएगा, आई इंड्यूस इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, क्लॉक वाइज में क्या होगा आपकी आई इंड्यूस होगा और क्लॉक वाइज में आई इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से अंदर की तरफ, जिसकी वजह से अंदर की तरफ एक एक्सटर्नल इस आई इंड्यूस की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, वो इस बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसको रिकवर कर सकता है। समझ आ रही है, हम कह सकते हैं कि इसमें ये चेंज को रिकवर कर सकता है, मतलब चेंज को होने नहीं देगा, ठीक है, ऐसा ये करता है, ठीक है। और भी दो एक क्वेश्चन पूछूंगा, लिखिए। सो इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, दिस इज द लूप इन विच करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड आई इज इंक्रीजिंग एंड वन मोर लूप इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है, ये क्या है सेंटर के पास में, ये मान लीजिए बी रेडियस का क्या है एक लूप यहां पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर आई बढ़ रहा है तो बताइए इसमें इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप, आई बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो पहले तो इस आई की वजह से मुझे बताओ कि यहां पे इसके सेंटर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, मतलब यहां पे जो डायरेक्शन होगी इस आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है आई बढ़ाने पे, बढ़ रही है, आई बढ़ाने पर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बढ़ रही है, लूप क्या चाहेगा, लूप चाहेगा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे से पास होने वाला बाहर की तरफ बढ़ रहा है, मैं नहीं होने दूंगा क्योंकि चेंज मुझे पसंद नहीं है, और चेंज पसंद नहीं है तो क्या करेगा, चेंज पसंद नहीं है तो एक काम करेगा ये, वो यही करेगा, वो ये करेगा कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा जिससे जिससे कि ये इसका अपोज कर सके। तो बताइए किधर करंट फ्लो करा, तो करंट फ्लो होगा आपका एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज आपका क्या हो जाएगा करंट फ्लो हो जाएगा, जिससे कि हम कह सकते हैं कि उसको अपोज कर सकेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट से क्या हो जाएगा ये आई इंड्यूस्ड विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है। और भी एग्जांपल देते हैं आपको, दिस इज अ लूप इन विच आई इज फ्लोइंग एंड आई इज डिक्रीजिंग, आई क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इसमें, और यहां पे एक लूप पड़ा हुआ है, यहां पे एक लूप पड़ा हुआ है, तो अब बताइए मुझे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बता रखा है कि इफ दिस इज अ लूप, ठीक है, तो इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अगर करंट मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये कुछ लाइंस ऐसी बनाता है, ये हम बना चुके हैं, समझे, ये ऐसे बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जस्ट इसके प्लेन में अगर यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, तो उस पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, यहां पे क्या होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होती है जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उससे, ठीक है। तो अब सुनिए यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस करंट की वजह से, बोलो बाहर की तरफ, तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की वजह से क्या होगी, बोलो अंदर की तरफ, ठीक है। आई घटने की वजह से बी क्या हो रहा है, बी घट रहा है, आई घटने की वजह से बी घट रहा है, तो बी घट रहा है तो क्या होगा, बी को घटने नहीं देगा अंदर की तरफ, और बी को अंदर की तरफ ना घटने दे, मतलब बी को अंदर की तरफ ना घटने दे तो ऐसा क्या करे, किधर इंड्यूस करंट फ्लो कराए, तो क्लॉकवाइज आई इंड्यूस होगा, और क्लॉकवाइज आई इंड्यूस की वजह से हम कह सकते हैं कि अंदर की तरफ जो घटने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मदद करेगा, ये हेल्प करेगा, जिससे कि हम कह सकते हैं इस तरह से क्लॉकवाइज इसमें इंड्यूस करंट होगा, ठीक है। दिस इज द इन्फिनिट वायर एंड दिस इज करंट आई, ये करंट क्या है आई है, इसमें इन्फिनिट वायर ऐसे रखा हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड रखा हुआ है, और यहां पे एक लूप रख दिया है, क्या रख दिया है, एक यहां पे लूप, ठीक है, यहां पे एक लूप रख दिया है। अब मुझे आपको ये बताना है कि अब बताइए अगर मैं आई को बढ़ा रहा हूं, आई को अगर मैं बढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये बताइए डायरेक्शन ऑफ
आई इंड्यूस्ड इन दिस लूप, ये क्या है, एक लूप है, ये लूप है, ठीक है। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप, इफ दिस इज द इन्फिनिट वायर द करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन एंड आई करंट इज इंक्रीजिंग, देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप। पहले तो ये बताओ इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इस लूप के किसी भी पॉइंट पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलोंग द प्लेन है। मान लीजिए यहां अगर मैंने देखा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। यहां देखा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। यहां देखा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। यहां देखा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। यहां देखा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। यहां देखा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। मतलब अगर इस लूप का एरिया वेक्टर लूंगा तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वायर की वजह से, वो अलोंग द प्लेन ऑफ दिस लूप है, अलोंग द प्लेन ऑफ दिस लूप है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, ड्यू टू द इन्फिनिट वायर इज द अलोंग द प्लेन ऑफ दिस लूप, ठीक है। बट द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस लूप, सो वी कैन से द एंगल बिटवीन थीटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर जगह 90 है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप क्या है, जीरो है। और फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप हमेशा जीरो है, चाहे आई करंट बढ़ा लो चाहे आई करंट कम कर लो, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप जीरो ही है, तो कोई चेंज फ्लक्स में है ही नहीं। तो क्या कह सकते हैं हम कि इसमें आई इंड्यूस्ड क्या होगा, जीरो, आई इंड्यूस्ड विल बी जीरो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये ध्यान रहे कि अगर फ्लक्स जीरो ही है तो मतलब ही क्या, फ्लक्स ही जीरो हो तो फ्लक्स चेंज का मतलब ही नहीं बनता, समझ आ रही, चाहे आई चेंज करो बी चेंज होता रहे उससे थोड़ी ना मतलब है, ठीक है ना। फ्लक्स चेंज होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा मतलब काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया अगर क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, तो वो कुछ नहीं करेगा, तो वो इंड्यूस करंट नहीं प्रोड्यूस कराएगा। बात समझ आ रही है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लिखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, ठीक है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक लूप जो है, लूप इज एंटरिंग विद बी वेलोसिटी, लूप इसमें क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप इन दिस सिचुएशन, लूप क्या कर रहा है, इसमें एंटर करने जा रहा है, ठीक है। तो अब बताइए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सो इट इज वेरी सिंपल, कैसे कि लूप अगर बाहर है, लूप कहां पर, अगर बाहर है और बाहर से ऐसे चल के जस्ट एंटर किया, एंटर किया तो अब देखिए इसमें चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, बोलो। चेंज इसमें जो हो रहा है वो इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, फाई एम चेंज हो रहा है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रही है, मतलब कहेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है, पासिंग थ्रू दिस लूप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस लूप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देन वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, FM इज चेंजिंग, FM इज चेंजिंग, FM, why FM इज चेंजिंग, FM क्या होता है, सॉरी phi m इज चेंजिंग, phi m इज चेंजिंग, why phi m इज चेंजिंग, बिकॉज हमें पता है phi m क्या होता है, ये होता है। हम देख सकते हैं कि यहां पे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर चेंज हो नहीं रहा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है और मुझे ये भी पता है कि ये क्या है, ये बी भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर, समझे, एक्सपेरिमेंटल चीज है ये, देखो एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है बेसिकली, मतलब एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सा एरिया, लूप का तो एरिया सेम ही है, जो फ्लक्स में जो एरिया आता है ना वो रीजन वाला एरिया आता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फ्लक्स के फॉर्मूले में जो एरिया आता है ना, वो वाला एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, समझ आ रही है? तो यहां देख सकते हैं कि जब ये इधर शिफ्ट हो रहा है तो पहले इस वाले रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जैसे ये इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो एरिया बढ़ता जा रहा है। बात समझ आ रहा है? तो हम कह सकते हैं जो एरिया है ना, एरिया ये कौन सा एरिया है, ये एरिया जो फ्लक्स लिखूंगा तो फ्लक्स के लिए कौन सा एरिया यूज करूंगा इस टाइम पे, ये वाला एरिया यूज करूंगा, ये वाला एरिया जिसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वाला मैं एरिया यूज करूंगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वाला मैं एरिया यूज करूंगा, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है? क्योंकि इसी की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसी की वजह से इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे बी भी सेम है, और क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, बट द चेंज हो रहा है एरिया का मैग्नीट्यूड, और एरिया कौन सा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो एरिया लिया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम के फॉर्मूले में, समझ आ रही है? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, जब ये अंदर जा रहा है, एंटर कर रहा है, तो अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब अंदर की तरफ पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है? इनका क्या है, नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अंदर की तरफ बढ़ने वाला फ्लक्स अंदर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ये इधर एंटर कर रहा है तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, जब ये इधर एंटर कर रहा है तो अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो क्या करेगा ये, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा जिससे उसका अपोज कर सके, और अपोज कैसे कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, हम इजीली बोल सकते हैं बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहां आ जाएगा तो उससे अपोज हो सकता है, क्यों, उससे हम ये कह सकते हैं कि ये अपोज हो सकता है कि जो अंदर जो फ्लक्स जा रहा है उसके अमाउंट में थोड़ा कमी आ सकती है। बात समझ आ रही है? सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका अपोज कैसे कर सकता है, उल्टी डायरेक्शन में क्या, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस कर दे, तो उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है। अब जब ये यहां पर पहुंच जाएगा, मान लीजिए कि यहां पर पहुंच गया, अंदर पहुंच गया, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो अब बताइए यहां पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है वो भी कांस्टेंट हो गया, और थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, वो भी कांस्टेंट है, तो फाई क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पे इंड्यूस्ड करंट इस रीजन में, यहां पे इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड क्या होता है, जीरो होता है। जब यहां पे ये ट्रेवल कर रहा होगा तो आई इंड्यूस्ड क्या होगा, जीरो होगा, आई इंड्यूस्ड जीरो होगा, और अब फिर क्या है, यहां से निकल रहा होगा, जब यहां से निकल रहा होगा तो यहां पे देख सकते हैं कि जो इसमें अंदर की तरफ जाने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा है, तो अब ये क्या करेगा, वो चेंज भी इसे पसंद नहीं है, मतलब ये फ्लक्स इसके अंदर जो जा रहा था वो कम नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके लिए एक क्लॉकवाइज आई इंड्यूस फ्लो करा देगा, और क्लॉकवाइज आई इंड्यूस फ्लो कराने की वजह से क्या है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो उसकी मदद करेगा जिससे कि फ्लक्स उसके अंदर जाने वाला कम ना हो, समझ आ रही है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसकी वजह से उसे कम करने के लिए ये उस वजह को खत्म करने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराया, और यहाँ पे फ्लक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे फ्लक्स कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं आई इंड्यूस क्या है, जीरो है, यहाँ पे फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आई इंड्यूस will be in the direction of clockwise so that it can reduce the cause which has produced it. क्या produce कर रहा है cause? कि इसमें से pass होने वाला flux क्या हो रहा है? कम हो रहा है, अंदर की तरफ जाने वाला flux कम हो रहा है, तो उसको अंदर की तरफ जाने वाला flux को कम नहीं होने देना है, तो उसके लिए clockwise current flow कराएगा, उसकी वजह से अंदर की तरफ एक magnetic field आ जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो cause मारा जाएगा, समझ आ रही है? वो cause क्या है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना, वही तो कॉज है, ठीक है? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड है आपका बाहर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें अंदर वो कांस्टेंट है, ठीक है? और एक लूप है जो इसमें एंटर कर रहा है,
जो इसमें क्या है, लूप एंटर कर रहा है, तो अब बताइए इस लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो देखो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये बताओ कि जब ये एंटर कर रहा है तो क्या बढ़ रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जो फाई फाई एम, फाई एम क्या है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, या कह सकते हैं कि जो ए है ना वो बढ़ रहा है। और ए कौन सा एरिया होता है, ए एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है, समझे। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया है जिसका हम देख पा रहे हैं कि जिससे पास होने वाला फ्लक्स, ये वाले एरिया की वजह से फ्लक्स आएगा पास होने वाला, बट जैसे ही अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये एरिया बढ़ रहा है, इस एरिया बढ़ने की वजह से बाहर जाने वाला फ्लक्स लाइन्स, बाहर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, बाहर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, इसका मतलब बाहर जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और बाहर जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है वो इसे पसंद नहीं है, किसको, लूप को, कि इसमें जब ये एंटर करेगा तो बाहर जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये इसे पसंद नहीं है, तो उसके लिए क्या करेगा, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करने के लिए क्लॉक वाइज एक करंट आई इंड्यूस फ्लो करा देगा, और क्लॉक वाइज करंट से क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट से ये होगा कि ये अपनी खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ फ्लो करा देगा, तो हम कह सकते हैं उसका अपोज हो सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर इसके जाने पर इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, वो इस इंड्यूस करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर भी आएंगी, तो हम कह सकते हैं नेट बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, कम रहेंगी, समझ आ रही है, मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा रिकवर हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी इससे, ठीक है ना। तो इसके जो कॉज है, कॉज क्या है, कॉज ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रहा है, और इस कॉज को ख़त्म कैसे हो रहा है, ये कॉज कि इस करंट इंड्यूज की वजह से अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो अंदर की तरफ फ्लक्स और आ गया, तो ये कॉज क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ये कॉज क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉज को ख़त्म करने की कोशिश में ही आई इंड्यूस फ्लो होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए, दिस इज द लूप, दिस इज द लूप। अब एक बार बताओ इस टाइम पे अगर देखा जाए, मैं इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, आई यहां पे क्या है, कांस्टेंट रखा है, आई क्या रखा है, कांस्टेंट, आई जब कांस्टेंट है तो इस डायरेक्शन में जो बी होगा वो भी कांस्टेंट होगा, तो अब बताओ पहले बी होगा किधर, इधर राइट साइड में बी होगा किधर, अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, बी है, जब आई कांस्टेंट है तो बी क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बी कांस्टेंट है तो आई इंड्यूस क्या हो, कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि इससे पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है, तो कोई आई इंड्यूस नहीं होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसे इधर वी रफ्तार से ले जा रहे हैं, इधर जब वी रफ्तार से लेंगे ले जाएंगे तो बताइए आई इंड्यूस क्या होगा, तो हम एक क्लियर कट बोल सकते हैं, जब इधर मैं बी वी रफ्तार से ले जाऊंगा तो यहाँ इस डायरेक्शन में जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में डिस्टेंस तो यहाँ और यहाँ क्या रहेगी, सेम रहेगी, डिस्टेंस यहाँ यहाँ सेम रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ और यहाँ भी सेम रहेगा, तो इस केस में भी आई इंड्यू जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जब इसे इधर ले जाऊं या मैं कहूँ इधर ले जाऊं तो आई इंड्यूज दोनों केसेस में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि हम कह सकते हैं इधर या इधर ले जाने से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर चेंज नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया चेंज नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि आई इंड्यूस क्या होगा, जीरो होगा। या दूसरा केस बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिए, कि अगर मैं इसे इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊंगा तो होगा क्या, इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें पता है कि जब दूर ले जाऊंगा वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, मतलब अगर इधर ले गया तो अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इसके लिए आई इंड्यूस तो होगा, ये तो मुझे क्लियर पता है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ पास करने वाली फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, इसका मतलब अंदर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है। अब इसको क्या करेगा, वो इंड्यूस करंट क्या करेगा, इसकी मदद करेगा, मदद क्यों करेगा, क्योंकि उसे चेंज पसंद नहीं है, ठीक है। तो मदद कैसे करें, कि अंदर की तरफ ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा दे, अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराने के लिए वो एक ऐसा करंट फ्लो कराता है, तो वो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा देता है। जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा तब आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आए होएगा, जब इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो
क्या हो रहा था, इधर शिफ्ट कर रहे थे तब ये हो रहा था कि यहाँ अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो इसकी मदद करने के लिए आई इंड्यूस को कहाँ क्या आना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो इस केस में आई इंड्यूस होगा तो सही, बट किधर होगा, क्लॉकवाइज कह सकते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आई इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। अब अगर मैं कहूं कि मान लीजिए इसे मैं इधर नहीं कहीं दूसरी साइड में ले जाता हूं, मान लीजिए इधर ले गया, इधर भी वेलोसिटी से ले गया, तो क्या होगा, इधर शिफ्ट करने पर हम कह सकते हैं कि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये क्लोज आ रहा है इस वायर के, ठीक है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, और इसको पसंद नहीं है चेंज, चेंज पसंद नहीं है तो बढ़ने नहीं देगा, अंदर की तरफ बढ़ने नहीं देगा, तो किधर करंट फ्लो कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में आई इंड्यूस होगा तो सही, और लेकिन वो किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई इंड्यूस इस केस में एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिखिए, ये क्या एक लूप है और ये आपकी एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। इस मैग्नेट को इधर v वेलोसिटी से ले जाया जा रहा है, कितनी से, v से, और ये आपकी क्या है, आंख है, ठीक है। तो इधर से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। v वेलोसिटी से इस v स्पीड से इस मैग्नेट को इस लूप के पास ले जाया जा रहा है। तो अब बताइए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस लूप अकॉर्डिंग टू दिस आई, बताइए। तो अब देखिए ध्यान से, हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी भी होंगी, ऐसे फुल होंगी, ये एक सर्कुलर लूप बनाएंगी, ये तो हमें पता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मैग्नेटिज्म में थोड़ी बहुत बता दिया है, वहां पे जाके अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये क्लोज लूप बनाएंगे, बस मैंने एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रखी है, वैसे ये क्लोज लूप बनाती है, ध्यान रहे, ठीक है। तो अब जब ये इसके पास जाएगा, जब इसके पास जाएगा तो होगा क्या, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया क्या होंगी, बढ़ेंगी, समझ आ रही है, नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी इसको जो पास कर रही है वो बढ़ेंगी, क्योंकि देखो जब ये पास पहुंच जाएगा तो ये लाइन और ये लाइन जो इसमें एंटर नहीं कर पा रही है वो भी एंटर कर जाएंगी, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। मतलब इधर इधर जब इसे शिफ्ट करूंगा तो मैं कहूंगा कि इस डायरेक्शन में पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में पास करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। या फिर दूसरी बात कह सकते हैं कि जब इसे पास लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, जिस मैग्नेट की वजह से किधर है, राइट में है, तो इस राइट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं इससे पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, और इससे पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो हम क्या कह सकते हैं, ये इस लूप को पसंद नहीं है, ये इस लूप को पसंद नहीं है तो क्या करेगी, ये उस कॉज को खत्म करना चाहेगा जिसकी वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से इस लूप में करंट प्रोड्यूस हुआ है, मतलब ये इसे पसंद नहीं है, तो किधर करेगा बताइए। यहां से अगर देखूं इस आई के रिस्पेक्ट में, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इसे फ्लो कराना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से हम कह सकते हैं इस रिंग को अगर देखें, इस रिंग को अगर देखें, एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से इधर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लग जाएगी, मतलब आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको अपोज किया जा सकता है, समझ आ रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इधर पास करने वाला बढ़ रहा है, और उसको कैसे कम किया जा सकता है कि एक एंटी क्लॉकवाइज इस लूप में करंट फ्लो हो जाए, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाए, किसकी वजह से, बी किसकी वजह से, इंड्यूस्ड की वजह से, किसकी वजह से, आई इंड्यूस की वजह से, समझ आ रही है, आई इंड्यूस की वजह से एक बी इधर आ जाए इस लूप की वजह से, जो कि इसका अपोज कर सकता है, समझ आ रही है। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा,
कि एक बात बताइए कि आपको मैंने बताया था कि लूप नॉर्थ और साउथ पोल उसकी तरह बिहेव करता है, मतलब एक मैग्नेट की तरह एक लूप बिहेव कर सकता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है कि एक लूप मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब अगर मान लो आपके पास एक लूप है, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए एक लूप है, इसमें करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, ऐसे मतलब ये पार्ट क्या हो जाता है इसका नॉर्थ और ये पार्ट क्या हो जाता है इसका साउथ, ये मैं बता चुका हूं मैग्नेटिज्म में कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, अब तुम खुद ही सोचो कि इसमें इस लूप में करंट क्यों आया, इंड्यूस करंट क्यों आया, इसके इसकी इस मैग्नेट की वजह से, कि मैग्नेट क्लोज आ रही थी। अब इस मैग्नेट को क्लोज आने से लूप कैसे रोक सकता है, कैसे रोक सकता है कि आप लूप क्या कर सकता है, लूप भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना सकता है, तो लूप क्या करे कि इस नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ पोल बना ले, इस नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ पोल बना ले, और अपना नॉर्थ पोल बना ले तो इसका अपोज किया जा सकता है कि ये मैग्नेट इसके पास नहीं आएगी, ये मैग्नेट इसके पास नहीं आएगी। तो नॉर्थ पोल अब लूप कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, जब ये अपने में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराए, मतलब इधर से मैं देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराए तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो सकता है, सिंपल सी बात है, आसान बात है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें समझ आ रही, दो राय नहीं है, सिंपल सी बात है। कॉज क्या था, कॉज ये था कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा था जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, और पता है लूप के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो नॉर्थ और साउथ पोल एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, तो वो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस किसके सामने करते, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने करते, और उसके लिए उसको करंट किधर फ्लो कराना पड़ेगा, इधर से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि नॉर्थ पोल इधर प्रोड्यूस हो जाएगा जो इसका अपोज कर सकेगा, जो इसको पास नहीं आने देगा, समझ आ रही है। एक और क्वेश्चन इसी में करते हैं, ठीक है, यहीं से हम देख रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मैग्नेट को इधर वी रफ्तार से दौड़ा रहा हूं, तो अब क्या हो रहा है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट से पास होने वाला फ्लक्स अब भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, देखो अब चेंज कैसे हो रहा है, अब मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है, जब ये इधर जाएगी मैग्नेट, तो क्या होगा, इसमें से इधर की तरफ जो पास होने वाला फ्लक्स है वो कम होगा, और इधर की तरफ पास होने वाला फ्लक्स कम होगा तो उसको रिकवर करने के लिए क्या करेगा ये लूप, उसे नहीं चेंज पसंद नहीं है, तो इधर की तरफ ही एक और अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, समझ आ रही है, और उसके लिए क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा देगा, आई इंड्यूस। दूसरा तरीका, नॉर्थ पोल यहां पे है, साउथ पोल यहां पे है, ये इससे मैग्नेट दूर जा रही है तो उसे चेंज पसंद नहीं है, दूर जाने नहीं देगा तो क्या करे, जब दूर जाने नहीं दे तो क्या करे, लूप अपना यहां पे साउथ पोल प्रोड्यूस कर दे और यहां पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस कर दे, तो ये इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, इसे लूप दूर नहीं जाने देगा, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम इस मैग्नेट की दूर जाने से आ रही है, ठीक है ना, इस मैग्नेट की दूर जाने से प्रॉब्लम आ रही है, समझ आ रही है। तो इसलिए ये रिंग में करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा जिससे कि इधर साउथ पोल बन जाए, इधर नॉर्थ पोल बन जाए, तो सिंपल क्लॉक वाइज करंट फ्लो कराएगी, तभी तो क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर बनेगा, साउथ पोल इधर, तो ये सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ सोचना नहीं होता, मैं आपको बता दूं, ठीक है, लिखिए, इफ दिस मैग्नेट इज मूविंग अवे टू द रिंग, देन बताइए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताइए इस रिंग में। हम कह सकते हैं कि यहां से अगर देखूंगा तो ये जब दूर जाएगा तो इसे दूर जाना जाने नहीं देगा, ये क्यों नहीं जाने देगा दूर, ये रिंग बोलो, क्योंकि इससे फ्लक्स चेंज होगा, और इससे फ्लक्स चेंज होगा तो दूर नहीं जाने देने के लिए क्या करेगा रिंग, बोलो, ये रिंग करेगा कि कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दे इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है, और ये नॉर्थ साउथ कब हो सकता है, जब रिंग में करंट कैसे हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, आई इंड्यूस्ड,
आई इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं नॉर्थ इधर, नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक करेगा। ऐसे अगर मैंने कहा कि मान लीजिए इधर ये वी से जाने लगा तो क्या होगा, साउथ उसके पास में जा रहा है, साउथ उसके पास में जा रहा है तो वो भी उसको पसंद नहीं होगा, किसको, रिंग को पसंद नहीं होगा। तो इस केस को हम कैसे लिख सकते हैं, ये साउथ ये नॉर्थ मान लीजिए ये जब बी से यहाँ पे जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, पास में ना आ जाए तो इसलिए ये यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ जनरेट करेगा, इसलिए इसमें डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, आई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होगी इधर से देखने पर, क्लॉकवाइज इसे नॉर्थ उधर साउथ इधर, जब ये पास जाएगा तो उसको रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि चेंज पसंद नहीं है। सीधा याद रखो कि मोहब्बत है का अमिताभ बच्चन है, सीधा चेंज पसंद नहीं है, ठीक है ना, चेंज पसंद नहीं है। लिखिए इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, ठीक है। और इसमें इसको क्या कर दिया है, इसको फिक्स कर दिया है, फिक्स्ड, एंड ये यहां से रिलीज कर दिए, रिलीज्ड। और इधर क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये वर्टिकल में है, वर्टिकल से ड्रॉप कर दिए, क्या कर दिए, ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप कर दिए। तो क्या होगा, ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। ये मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, और इसको क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, ठीक है। और ये क्या है, ग्राउंड पे ऐसे रिंग पड़ी हुई है जिसको फिक्स कर दिया है, रिंग ऐसे ग्राउंड पे पड़ी हुई है जिसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मुझे ये बताइए कि इसका जो एक्सेलरेशन है, ए ऑप्शन एक्सेलरेशन लेस देन जी, बी ऑप्शन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, सी ऑप्शन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, और डी ऑप्शन नन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी जैसा कि मान लीजिए ये मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, ये भी ऐसे ही क्या है, ड्रॉप कर दिए, मतलब रिलीज कर दिए, रिलीज कर दिया है, तो ये क्या है, नीचे कुछ एक्सेलरेशन ए से आ रही है, और इसको क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम चार ऑप्शन है, तो बताइए कि दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब ये नीचे आएगा तो होगा क्या, इस रिंग को क्या पसंद होगा, इस रिंग को ये पसंद नहीं है कि ये नीचे आए, क्यों, कि जब ये नीचे आएगा तो इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो उसको क्या करेगा, चेंज करेगा, समझ आ रही है, इससे पास होने वाले फ्लक्स को चेंज करेगा। जब ये नीचे आएगा तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा नीचे की तरफ, पर ये रिंग को पसंद नहीं है, तो रिंग को पसंद नहीं है तो रिंग क्या करेगा, एक अपनी मैग्नेट बनाएगा जिसमें ऊपर नॉर्थ पोल बनाएगा और नीचे क्या बनाएगा, इधर क्या बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा। और जिसकी वजह से होगा क्या, करंट इंड्यूस होना पड़ेगा इसमें रिंग में, क्योंकि ये नॉर्थ और ये साउथ रिंग के बनना तभी पॉसिबल है जब रिंग में करंट फ्लो हो। तो अब बताइए, अगर मैं ऊपर से देखूं, मैं ऊपर से देखूं ऊपर से, तो इसमें करंट किधर फ्लो होगा, अगर मैं यहां से देखूं तो करंट किधर फ्लो होगा, बोलो, मैं अगर करंट की बात करूं तो करंट किधर फ्लो होगा, बोलो, करंट फ्लो होगा, मैं कह सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आई इंड्यूस करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। खैर ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था कि इसका एक्सेलरेशन ए से कम होगा, ज्यादा होगा या क्या होगा, तो वो हमको यहां से दिख रहा है कि नॉर्थ पोल ऊपर आ गया और नीचे इसका नॉर्थ पोल, तो इसको रिपेल करेगा ये नॉर्थ पोल, ठीक है, मतलब ये रिंग जो है वो इसको मैग्नेट को रिपेल करेगी, रिपेल करेगी तो इसका एक्सेलरेशन लेस देन जी हो जाएगा, ठीक है, ये रिपेल करेगी तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, लेस देन जी। एक्सेलरेशन जी कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर दिया हमने, ड्रॉप कर दिया तो वो एम जी, इस पर नीचे फोर्स लग रहा है और एम जी फोर्स से वो नीचे जा रही है, तब उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जी। बट यहाँ पे अब इस पर जो फोर्स है नेट वो एम जी नहीं है, देखो एम जी तो नीचे फोर्स है इस पर, ठीक है, और एक ऊपर इस रिपल्शन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स और आ गया, समझ आ रही है, ये देखो इस रिपल्शन की वजह से, एक रिपल्शन, ये मैग्नेट और ये मैग्नेट रिपेल करेंगी ना, तो उसकी वजह से एक एफ एक्सटर्नल और आ गया है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या हो गया, कम हो गया है, नेट फोर्स नीचे की तरफ कम हो गया है तो एक्सेलरेशन जी से क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। और इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस भी सिचुएशन सेम ही है, देखो क्या होगा, जब ये नीचे आ रही होगी वो भी इस रिंग को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, कि अब देखो ऐसे कुछ
फ्लक्स लाइंस होंगी, ठीक है, ऐसे कुछ फ्लक्स लाइंस होंगी, होंगी या नहीं होंगी, ऐसे फ्लक्स लाइंस होंगी। तो अब जब ये नीचे आ रही है तो इधर पास करने वाला फ्लक्स क्या है, बढ़ रहा है, और इधर पास करने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब बढ़ना उसे पसंद नहीं है, मतलब ये हो क्या रहा है, रीजन क्या हो रहा है, रीजन क्या हो रहा है, बोलो। रीजन ये हो रहा है, रीजन ये हो रहा है कि जब ये नीचे आ रहा है तभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। कॉज क्या है, कॉज क्या है जिसको अपोज करे, कॉज ये है कि ये नीचे आ रहा है और इसे मुझे नीचे नहीं आने देना, क्या रिंग सोचेगी इसे मुझे नीचे नहीं आने देना, तो क्या करेगी रिंग, तो क्या करेगी रिंग, बोलो, इधर अपना साउथ पोल जनरेट करेगी, इधर नॉर्थ पोल जनरेट करेगी, क्योंकि इसके नीचे आने पर ही इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट उस फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगी रिंग, तो उसके लिए इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, तो इधर साउथ पोल है तो ये साउथ पोल रिपेल करेगा, तब भी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन जी होगा, ठीक है। रिपेल करेगा तो एक एफ एक्सटर्नल ऊपर होगा और नीचे क्या है, एम जी है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या हो गया, एम जी से कम हो गया, और जब नेट फोर्स नीचे की तरफ mg से कम हो गया, देन वी कैन से द एक्सेलरेशन इज लेस देन g, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, तो इसके लिए भी ये ऑप्शन पक्का हो गया, ठीक है। अगर मैं ऊपर से देखूं, यहाँ से ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, तो एक बार बताइए कि मुझे इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए, इस रिंग में डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए, डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए रिंग में, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, बोलो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर देखने ऊपर से देखने पर, तो क्लॉकवाइज होगा ऊपर से देखने पर, क्योंकि क्लॉकवाइज होगा तभी नीचे साउथ पोल होगा, नीचे नॉर्थ पोल होगा और ऊपर साउथ पोल होगा, तो इसमें कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज आई इंड्यूस करंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज यहाँ पे आई इंड्यूस करंट हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ, और मैग्नेट को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, इसके एक्सेलरेशन को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, देखो क्या कर रहा हूँ, लिखिए नन, तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल है, जब ये नीचे जाएगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, और इस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स कम होगा, तो ये रिंग को पसंद नहीं है, क्योंकि चेंज उसे पसंद है ही नहीं, सिंपल, चेंज पसंद है ही नहीं, ये मान लो मोहब्बत है का अमिताभ बच्चन, चेंज पसंद नहीं, तो अब क्या होगा, हम कह सकते हैं इसमें ये ऐसा कुछ करेगी, साउथ इधर करेगी, नॉर्थ इधर करेगी, जिससे कि इस मैग्नेट को ड्रॉप ना होने दे, पास से दूर ना जाने दे, समझ आ रही है। तो क्या होगा, ये कब पॉसिबल है, जब इसमें ऊपर से देखने पर करंट किधर फ्लो हो, बोलो, ऊपर से देखने पर करंट किधर फ्लो हो, बोलो, ऊपर से देखने पर करंट किधर फ्लो हो, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो होगा तभी ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं कि जब यहां पे साउथ, यहां पे नॉर्थ, तो इस पर एक एफ एक्सटर्नल आ गया, एक एफ एक्सटर्नल, तो एक नीचे एम जी लगा हुआ है, तो एफ नेट जो है, एफ नेट वो क्या हो गया, एम जी माइनस एफ एक्सटर्नल, मतलब ये एम जी से कम हो गया, एम जी से कम हो गया, तो हम कह सकते हैं एफ नेट को हम एम ए के इक्वल लिखेंगे, तो ए यहाँ जो आ रहा है वो क्या आएगा, लेस देन जी, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जी, और यहाँ पे भी क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा तब क्या होगा, ये भी क्या है, जब नीचे जाएगा ये मैग्नेट तो इस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, इस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, तब भी तो कम ही होगा ना, भले ही डायरेक्शन उसकी, अगर इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन देखी जाए तो वो क्या होगी, फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन देखी जाए, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन देखी जाए तो किधर होगी, इधर, ठीक है, बट नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास कर रही है, मतलब काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो क्या होंगी, कम होती जाएंगी, मतलब फ्लक्स क्या होता जाएगा, नीचे को जा रही है ना फील्ड लाइंस, ठीक है ना, तो फ्लक्स इससे पास होने वाला क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा तो, बट ये कम नहीं होने देगा, कम नहीं होने देगा तो क्या करेगा ये बताओ, कैसे मैग्नेट लगाएगा, इधर नॉर्थ लगाएगा, इधर साउथ लगाएगा, जिससे कि इसे अट्रैक्ट कर सके, तो इसे अट्रैक्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि इस पे इधर एफ एक्सटर्नल लगेगा और नीचे क्या है, एम जी है, तो अभी भी हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया, लेस देन एम जी, देन वी कैन से ए लेस देन जी, तो इस केस में भी ए लेस देन जी हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं,
तू मुझे ये बताइए किस में डायरेक्शन ऑफ करंट तो होगी क्लॉकवाइज, सीधी सी बात है क्लॉकवाइज आई इंड्यूस की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि जब क्लॉकवाइज होगी तभी तो नीचे की तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा ना। तो ऐसे अब यहां से एक ही कंक्लूजन निकला, चाहे तुम रिंग को मैग्नेट के ऊपर गिराओ, चाहे मैग्नेट को रिंग के ऊपर गिराओ, चाहे मैग्नेट को ऊपर से गिराओ, चाहे नीचे ड्रॉप करो, चाहे मैग्नेट को ऊपर रख लो, चाहे रिंग को नीचे रख लो, कुछ भी कर लो, किसी को किसी के ऊपर गिराओ, चाहे कुछ भी हो जाए, ए लेस देन जी आएगा। सिंपल याद रखो, ऐसे क्वेश्चन में सोचना भी नहीं है। जब भी आप रिंग मैग्नेट को जी में गिरा रहे हैं, कुछ भी आपको पूछा है, सीधा आप लगाओगे ए लेस देन जी, खत्म, बिना सोचे बिना दिमाग लगाए। बात समझ आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आ रहे हैं तो आप सिंपल बिना सोचे समझे, आप सिंपल एक ही चीज समझेंगे, क्या, ए लेस देन जी। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन करना चाहते हो इसमें तो कर लो। मैं अगर पूछ लूं कि मान लीजिए आप इसे फिक्स कर दिया है, इसका नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, और इसको क्या कर दिया फिक्स्ड, अब रिंग को क्या किया जा रहा है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप, ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए इसका एक्सेलरेशन मान लो ए नीचे की तरफ है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल, बताओ। मैं तो अभी कह रहा हूं ए लेस देन जी आएगी। एक्सप्लेनेशन और देख लो कि जब ये नीचे जाएगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। इससे पास होने वाला फ्लक्स कम होगा तो इसको ये चाहेगी नहीं कि ये पास होने वाला फ्लक्स इससे कम हो, तो इसके लिए ये अपनी मैग्नेट एक बना देगी इधर नॉर्थ इधर साउथ। जब ऐसा बनाएगी तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेट की वजह से इधर लगेगा एफ एक्सटर्नल, और नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा। तो यहां कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है एफ नेट वो लेस देन एम जी आएगा नीचे की डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं ए लेस देन क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, लिखिए। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, लिखिए।